लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। दोस्तों, केएल राहुल का फॉर्म में आना आपको वर्ल्ड कप के हिसाब से कैसा लगता है? क्या केएल राहुल को वर्ल्ड कप में लिया जाएगा या उन्हें नकार दिया जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। जी हां, हम आपको बता दें कि आज केएल राहुल और क्रिस गेल की धमाकेदार पारी देखने को मिली है। आज केएल राहुल ने जहां आईपीएल 2019 में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, वहीं क्रिस गेल ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाया है। जी हां, आज इन दोनों ने ही मैदान पर चौके छक्कों की बारिश कर दी। हम आपको बता दें कि आज क्रिस गेल ने 63 रनों की पारी खेली, वहीं लोकेश राहुल ने शानदार 50 जड़ दिया है। जी, आज क्रिस गेल ने अपनी 63 रनों की पारी में 36 बॉलों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के जड़े हैं। क्रिस गेल ने 63 रन की पारी को 175 की स्ट्राइक रेट से खेला है। दोस्तों, अगर आपको क्रिस गेल की यह तूफानी पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं हम बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने अपने 50 को पूरे करने में 41 बॉलों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इन दोनों की यह पारियां पसंद आई हो और आप चाहते हो कि केएल राहुल को वर्ल्ड कप 2019 का हिस्सा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वी वांट राहुल इन वर्ल्ड कप लिखना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज अभी तक 9 छक्के लगा दिए हैं और 7 चौके लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आज राहुल और गेल ने छक्कों की